आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप यह सीखने वाले हैं कि कैसे आप अपने डिलीटेड डेटा को रिकवर कर सकती हैं। जी हाँ, यहाँ पर आपका किसी भी फॉर्मेट में डेटा हो, जैसे कि आपकी इमेजेस हो, आपकी वीडियो फाइल्स हो, ईमेल्स हो या फिर वीडियोस मूवीज हो, तो किसी भी फॉर्म में आपका डेटा हो, अब चाहे वह आपकी पेन ड्राइव में हो, आपके मेमोरी कार्ड में हो या फिर आपके मोबाइल फोन में हो या फिर आपकी हार्ड डिस्क में हो, कैसे आप उसे आसानी से रिकवर कर सकते हैं, यहाँ पर हम प्रैक्टिकली यूज करेंगे। तो अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो आप शुरू से लेकर लास्ट तक हमारी इस वीडियो को जरूर देखें। मेरा नाम है शुभम अग्रवाल और आप देख रहे हैं साइबर बाबा यूट्यूब चैनल। ओके गाइस, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हम आ चुके हैं अपनी लैपटॉप स्क्रीन पर। यहाँ पर सिंपली आपको टाइप करना है सुया रिकवरी मास्टर। यहाँ पर आप देखेंगे फर्स्ट वेबसाइट आपके सामने आ चुकी है, www.suya.com। सिंपली आप इस पर क्लिक करें। अब इस प्लेटफॉर्म को मैं बहुत टाइम से यूज कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर आपको बेस्ट रिजल्ट मिलता है। मतलब रिकवर तो हम मल्टीपल सॉफ्टवेयर से भी कर सकते हैं, बट जहाँ पर मैक्सिमम डेटा रिकवर होगा उसे हमको यूज करना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे कुछ इस तरह से आपको इंटरफेस देखने मिल जाता है। दोनों प्लेटफॉर्म्स के लिए है। अगर आप चाहते हैं विंडोज में यूज करना तो आप विंडोज में यूज कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं मैक पे यूज करना तो आप मैक पर भी इसे यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आपको एक बेनिफिट यह हो जाता है कि जो वायरस अटैक्स होते हैं उनसे भी यहाँ पर आपको प्रोटेक्शन मिलता है। नीचे अगर हम इसे स्क्रॉल करें तो यहाँ पर इनकी पूरी डिटेल्स मिल जाती है, किस किस तरह से डेटा रिकवर किया जाता है, क्या उसकी स्टेप्स होती हैं, कितनी फाइल्स होती हैं जिसे आप रिकवर कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे जो फॉर्मेट्स दिए गए हैं, आप चाहे वीडियोस, ऑडियोस, आप ईमेल या फिर डॉक्यूमेंट्स को, मतलब जो भी आपका डाटा है आप उसे आसानी से रिकवर कर सकते हैं। तो अभी बिना किसी देरी के सबसे पहले हम इसे डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड के लिए सिंपली आपको क्लिक करना है फ्री डाउनलोड फॉर विंडोज पर। अगर आप मैक यूज करते हैं तो यहाँ से आप मैक में भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसे मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है। हम इसे क्लोज करते हैं, सीधा सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कुछ इस तरह से आपको इंटरफेस देखने मिल जा रहा है। यह हमारी सी ड्राइव, डी ड्राइव, यहाँ पर ई ड्राइव। अगर आप रिसाइकल बिन से भी डेटा को रिकवर करना चाहते हैं तो आप यह भी कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पर मैं इंसर्ट कर रहा हूँ एक पेन ड्राइव को। सिंपली हम इसे इंसर्ट करते हैं। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे मैंने 64 GB की USB ड्राइव को यहाँ पर इंसर्ट किया है। एक बार हम प्रॉपर्टीज पर भी चलकर देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, और अगर हम इसे ओपन करें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसमें कोई भी डेटा नहीं है। हम इसे क्लोज करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक्सटर्नल डिवाइस में आपको पेन ड्राइव शो हो रही है। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या कि इस पेन ड्राइव में कुछ डेटा को हम पलटाते हैं और फिर उसे डिलीट करते हैं और फिर उसे हम रिकवर करेंगे। ओके गाइस, तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कुछ डाटा हमने इसमें इंसर्ट किया है, जिसमें MP3 फाइल्स हैं। यहाँ पर आपको वर्ड की फाइल्स मिल जाती हैं, कुछ यहाँ पर आपको फोटोज़ देखने मिल रही हैं, कुछ यहाँ पर वीडियोस हैं। तो यह सारा डाटा हमारी इस पेन ड्राइव में सेव है। हम इसे करते हैं सेलेक्ट और करते हैं इसे डिलीट। तो अभी यहाँ पर आप देखेंगे कि हमने इस डाटा को टोटली डिलीट कर दिया है। अब हम चलते हैं अपने सॉफ्टवेयर की तरफ। यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे अपनी पेन ड्राइव को। तो हमारी पेन ड्राइव सेलेक्ट हो चुकी है। अब यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन हैं, फॉर्मेटेड स्कैन और लॉस स्कैन। तो अगर आपने पेन ड्राइव को फॉर्मेट किया है तो यहाँ से आपको फॉर्मेटेड स्कैन को सेलेक्ट करना है, बट अगर आपसे नॉर्मली या फिर बाय मिस्टेक डिलीट हो गई हैं तो यहाँ से आपको लॉस स्कैन पर क्लिक करना है। सिंपली हम लॉस स्कैन पर क्लिक करते हैं। अब अभी यहाँ पर आप देखेंगे कि 11 फाइल्स टोटली फाउंड हो चुकी हैं। हम इसे कंफर्म करते हैं। पहली फाइल यहाँ पर आप देखेंगे जो वर्ड की फाइल थी, यहाँ पर आप देखेंगे MP4 फाइल, यहाँ पर आपको इमेजेस देखने मिल रही हैं, अगेन MP3 फाइल्स, और यहाँ पर आपको अगेन वीडियो फाइल्स देखने मिल रही है। अब अगर आप इसे चेक करना चाहते हैं रिकवर करने से पहले तो आप यह भी कर सकते हैं। इसको सिंपली आपको फाइल को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर आप देखेंगे प्रीव्यू का ऑप्शन मिल जाता है, सिंपली आप इस पर क्लिक करें। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि हमारी ये वीडियो फाइल प्ले हो चुकी है। हम इसे क्लोज करते हैं और कुछ इमेजेस को चेक करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं इस इमेज को चेक करना चाहता हूँ, तो हम प्रीव्यू बटन पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि यह इमेज हमारी फाइनली रिकवर हो चुकी है।
अब अगर आप इन फाइल्स को सेव करना चाहते हैं अपने डेस्कटॉप या फिर लैपटॉप या फिर किसी भी डिवाइस में, तो सिंपली आपको इन सारी फाइल्स को सिलेक्ट करना है और यहां से आपको रिकवर बटन पर क्लिक करना है। अब यहां पर आप देखेंगे कि आपसे लोकेशन मांगी जाती है कि किस लोकेशन पर आप इस डेटा को सेव करना चाहते हैं। तो यहां से मैं सिलेक्ट करता हूं ई ड्राइव को, देन सिंपली रिकवर बटन पर क्लिक करता हूं। यहां पर आप देखेंगे एक्सपोर्टिंग स्टार्ट हो चुकी है और फाइनली यहाँ पर हमारा डेटा रिकवर हो चुका है। यहाँ पर आप देखेंगे रिकवरी मास्टर के नाम से एक फोल्डर क्रिएट हुआ है, हम इसको ओपन कर देते हैं। अगेन फोल्डर, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा सारा डेटा रिकवर हो चुका है। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे आपको फोटोज भी देखने मिल रही हैं, यहाँ पर आप ऑडियो फाइल्स को भी चेक कर सकते हैं, यहाँ पर हमको वीडियो फाइल्स भी मिल चुकी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमको वर्ड की फाइल्स भी मिल चुकी है। तो इस तरह से आप मल्टीपल फाइल्स को रिकवर कर सकते हैं। अब चाहे वह आपकी वर्ड की फाइल डिलीट हुई हो, या फिर आपकी वीडियो फाइल्स हो, या फिर आपकी फ़ोटोज़ हो, या फिर किसी भी तरह का डेटा और किसी भी लोकेशन से डिलीट हुआ हो। अगर हम सॉफ्टवेयर को चेक करें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आप रिसाइकल बिन से भी डेटा को रिकवर कर सकते हैं, डेस्कटॉप से भी कर सकते हैं, और पर्टिकुलर एक फोल्डर से भी कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम चले इनके प्लान्स और प्राइसिंग के बारे में, तो सिंपली यहाँ से आपको वाई नाउ बटन पर क्लिक करना है, जिससे आप इनकी डायरेक्टली ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे फर्स्ट प्लान आपको मिल जाता है फ्री, जहाँ पर आप 2 MB डेटा को रिकवर कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है। यहाँ पर आपको 1000+ फाइल फॉर्मेट्स मिल जाते हैं, आप स्कैन करके उन्हें प्रीव्यू कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर आपको कुछ फ्री वर्जन में ऑफर्स मिल जाते हैं, बट अगर आप लॉन्ग टर्म यूज़ करना चाहते हैं या फिर आपका कुछ ज़्यादा हैवी डेटा है, आप उसे रिकवर करना चाहते हैं, तो यहाँ पर इनके कुछ प्राइजेस भी हैं और प्लान्स भी हैं, तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार इन्हें चेक भी कर सकते हैं। सो फ्रेंड, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। एक नई वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए #cyberbaba।